मोदी पढ़ा लिखा होता ना, आज स्थिति होता उसको उसको ये कानून ही समझ में नहीं आ रहा। जी भूषण जी, सिंह जी कहते हैं मैं पिछला जीत की रोटी खाता हूँ, जरूर पर मोदी बैठे, मेरे बाप अमित शाह बैठा है वो बुढ़ा, इसलिए उसके मन की बात खत्म नहीं होती है। 108 पर तो मन की बात करता है, अबे देश के विदेशों में भी डंका बज गया कि यार इंडिया में तो उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। रे मोदी है मुमकिन है, जब भी तो बलात्कार हो रहा है मोदी के राज में, कार चल रहे हैं बलात्कार चल रहे हैं। थाली बजा के कोरोना भाग जाएगा, थाली बजा कोरोना भाग जाएगा। अनाउंसमेंट करिए, मेरे साथ 11 लाख संत आएंगे। मोदी पढ़ा लिखा होता ना, आज स्थिति होता उसको उसको ये कानून ही समझ में नहीं आ रहा। क्या बलात्कार हुआ तो उसके पे उसको कानून ही समझ में नहीं आ रहा। अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो कहते मैं तो वो हूँ चाय बेचने वाला, वो तो चाय बेचता हूँ, ट्रेनों पे बेचता था मैं, जब भी तो प्रधानमंत्री पद बेचा है। अरे चाय बेची जब भी तो अनपढ़ गवा रहा है, जब भी तो उसको कानून समझ में नहीं आ रहा, जब भी तो बलात्कारी को बिठा रखा है उसको कानून समझ में नहीं आ रहा। क्या कानून है, क्यों किस लिए बैठी है बलात्कार, इसने बैठा रखा है। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, पता। अरे 56 इंच का सीना है, जब भी तो बलात्कारी करते, 56 इंच में तो बलात्कारी करा उसने बृजभूषण ने। और बृजभूषण जी सिंह जी कहते हैं मैं पिछला जीत की रोटी खाता हूँ, जब मैंने बलात्कार है मैंने दिन में करे बलात्कारी, दिन शाम देखते कि बलात्कारी। सबूत क्यों नहीं मिल रहा है कोई? सबूत इसलिए नहीं मिल रहा, बीजेपी की सत्ता क्या है उसको पता है कि मेरे ऊपर मोदी बैठे, मेरे बाप अमित शाह बैठा है वो बुढ़ा, इसलिए गृह मंत्री को अपमान कर रही है आप। अरे गृह मंत्री कैसे गृह मंत्री, पहले तो चौड़े में आके बोलता था महिलाओं के लिए हम करेंगे ये हम करेंगे। अरे महिलाओं की महिलाएं तो सड़क पे आ गई, उनका नारा क्या था, बेटी बचाओ बेटी, उनका तो नारा है बेटी बेटी बचाओ बीजेपी हटाओ। जब भी बीजेपी हटेगी, जब भी बेटी बीचे वो बचेगी, उनकी सत्ता वाली बलात्कारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं उनके राज में। आदर्शवादी बीजेपी पार्टी है, आप अपमान कर रही है। अरे आदर्शवासी कैसा आदर्शवासी है, वो तो 8 सालों में क्या करा उसने, NRC चला दी, हिंदू मुस्लिम सीसी का यही कर रहा है 8 सालों में, ना कभी नोटबंदी कर देता है, कभी उसको नाउंसमेंट हो जाती है, उसकी मन की बात खत्म नहीं होती है। 108 पर तो मन की बात करता है, अबे देश की जनता की मन की बात तो सुन ले पहले, आपने दुखड़ा सुनाया था पहले मन की बात कर सकते। अरे विदेशों में कुछ नहीं डंका बजता है उसको, सबको पता है विदेशों में भी डंका बज गया कि यार इंडिया में तो उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये क्या देश को संभालेगा, बड़े बड़े ऑटोग्राफ के लिए तरस रहे हैं तो मोदी। अरे जब भी तो कर्नाटक ने आनंद दिखा दिया मुंह पे तमाचा, जब भी तो जीत गई कर्नाटक में बीजेपी। जापान में गया तो जापान में क्या करे, राज्यों में जीत गई लेकिन 24 में फिर से आ जाएगी। 24 में कैसा है, कौन देगा, आप तो लोकप्रिय नेता है, लोकप्रिय बीजेपी नेता कुछ भी नहीं है। अरे जनता जवाब दे देगी तुमने 24 में, आज हमारी बेटियां बैठी हैं ये पहलवान, वैसे कल उन्होंने बोला 15-15 रुपए के मेडल लेके आई हैं, इनका क्या है। अरे 15-15 तुम भी तो अपनी बहन बेटियां, तुम्हारी तो बहन बेटियां नहीं है इसलिए तुम्हें पता, तुम्हारी बहन बेटियां होती ना जब पता चलता तुम्हारा दर्द क्या होता है, उसकी तो बहन बेटियां नहीं, मां मर गई उसकी तो मोदी की। हेलो, किसकी बहन बेटी नहीं है, अरे मोदी की अपनी पत्नी छोड़ के समाज सेवा के लिए। अरे समाज सेवा के लिए, समाज सेवा चली तो रही है, चल तो रही है, उसके सत्ता में बेटी सेफ नहीं है, समाज सेवा कर रहा है, समाज सेवा चल रही है और क्या चल रहा है। अरे सम्मानित पद होता प्रधानमंत्री का थोड़ा। अरे प्रधानमंत्री का क्या सम्मान करे, जब उनके राज में हम सत्ता में हमारे लड़के ही सेफ नहीं है तो आम जनता कहाँ से। उसने तो बोला था मोदी जी मोदी है, जब भी तो मुमकिन है मोदी, जब भी तो मुमकिन है, जब भी तो लड़कियों के बलात्कार हो रहा है, जब भी तो नारे बज रहे थे मोदी है मुमकिन है, जब भी तो बलात्कार हो रहा है मोदी के राज में। मोदी जी ने बोला अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल चल रहा है देश में, देखिए क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, बलात्कार चल रहे हैं, बलात्कार चल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। आप एक महिला हैं, मोदी जी ने महिलाओं के लिए आंसू बहाए हैं। अरे क्या आंसू बहा दिए, बड़े बड़े आंसू बहा दिए, उनको कोई नहीं पता कि नोटबंदी होता क्या है, थाली बजा के कोरोना भाग जाएगा, थाली बजा कोरोना भाग जाएगा, करेंगे आएंगे कोरोना भाग जाएगा। अरे कोरोना में तो उसने खा गया, वो तो मोदी ने खा गया पैसे ही, कोरोना में खा गया पैसे पता। अरे 500,000 के नोट बंद करे 2016 में, 500,000 के नोट बंद करे थे, वो काला धन कहाँ गया, जनता पूछ रही है वो पैसा कहाँ गया। तुम रोज रोज GST का अनाउंसमेंट करते हो, GST किसने बनवाया, छोटे गेट सब पीछे भी मर दिए। अरे उनकी गोली खोखोली जाती है CBI, उनकी कोर्ट उनकी जांच क्यों नहीं करता, उनके घर से करोड़ों के सत्ता निकलेगी। वो तो कुछ नहीं मिल रहा, राशन फसल सब ब्लैक मनी कर दिया इनके राज में। मैडम एक सवाल कर रही है, मैडम वन क्वेश्चन
आपने भी कहा कि ब्रजभूषण जो है वो बलात्कारी है, ब्रजभूषण के ऊपर बलात्कार के चार्जेस नहीं है। आपके जो रेसलर्स हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने खुद कहा है कि मोलेस्टेशन है, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, रेप में और मोलेस्टेशन में दो डिफरेंस है। बिना एविडेंस के आप ये चार्ज क्यों लगा रही हैं? तो जो इनके साथ जो सिखाते हैं रेसलर लोग हैं, वो भी तो बलात्कारी कर रही है और शोषण तो कर रहे हैं उनके साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनको उत्पीड़न करा जाता है। सात लड़कियां तो आई ना उनके साथ में, सात लड़कियां, अभी हजारों लोग आएंगी उनके साथ, तो देश खड़ा है। वो उसने अनाउंसमेंट करी है, मेरे साथ 11 लाख संत आएंगे 5 तारीख को, 11 लाख संत आएंगे, हम वो करेंगे, रैलियां करेंगे, रैलियां करें। वैसे तो ब्रजभूषण सिंह कहता है बुलडोजर, तो बुलडोजर क्यों चलवाया, डर क्यों रहा है तू?